नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्विरोध जीत कर आए जनप्रतिनिधियों को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर भोज देने पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के रहते कांग्रेस के विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्विरोध जीते जनप्रतिनिधियों को अपने शासकीय बंगले पर भेज दिया, जिसके बावजूद निर्वाचन आयोग अंधा बना रहा। के मिश्रा ने कहा है कि हमें आशंका है कि आज की कैबिनेट बैठक में भी मुख्यमंत्री वे घोषणाएं करेंगे जो आदर्श आचार संहिता के खिलाफ हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में आयोजित अपनी सभा में कहा है कि वे 125,000 लोगों को नौकरियां देंगे। आदर्श आचार संहिता के रहते हमारे विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री ने कल निर्विरोध निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने शासकीय बंगले पर भोज दिया। निर्वाचन आयोग अंधा बनकर देख रहा था, यह बात उनके संज्ञान में ला दी गई थी। निर्वाचन आयोग ने कार्यवाही क्यों नहीं की? हमें पूरी आशंका है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के जो दूसरे और तीसरे चरण का मतदान है वह निष्पक्ष नहीं होगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन पदाधिकारी सरकार से दबे हुए हैं। हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। या तो एक सेंट्रल ऑब्जर्वर मध्य प्रदेश के लिए भेजा जाए, लेकर निर्वाचन आयोग इन्हें नोटिस जारी करे। मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की FIR दर्ज हो, क्योंकि एक जवाबदार व्यक्ति हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में भी अपने भाषण में कहा कि 125,000 लोगों को हम 125 साल में नौकरियां देंगे, ये क्या प्रलोभन नहीं है? और आज भी कैबिनेट है, हमें आशंका है कि इस कैबिनेट में भी मुख्यमंत्री जी वही घोषणा करेंगे जो आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है। उन पर निर्वाचन आयोग यदि है मध्य प्रदेश में तो वो एक्शन करता हुआ दिखाई दे, और नहीं तो निर्वाचन आयोग अपने घरों पर जैसे ताला लगते हैं वैसे दफ्तर में भी ताला लगाकर अपने घर बैठे, क्योंकि सफ़ेद हाथी पालने से कोई मतलब नहीं है। जब संवैधानिक व्यवस्था का पालन नहीं होगा, आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं होगा, तो हमारे आपके पैसों से इन सफ़ेद हाथियों को पालने का औचित्य क्या है? और आज हमने सुना है आप लोगों के माध्यम से कि मध्य प्रदेश में असदुद्दीन नड्डा साहब आ रहे हैं। भोपाल से खबर समय जगत के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।